नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 14 अप्रैल का दिन। आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते हैं 14 अप्रैल के दिन के। दोस्तों मैं इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ साथ उनसे संबंधित जो भी डिटेल्स होंगी उनको भी मैं आपको बताते चलता हूँ, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी हो सके उस प्रश्न से रिलेटेड। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न आज के दिन के हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या एक, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ एंड्रू द एपोस्टल नामक सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया है। तो दोस्तों आपको उस देश का नाम बताना है जिस देश ने हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ एंड्रू द एपोस्टल नामक सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया है। तो दोस्तों उस देश का नाम है रूस, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों हाल ही में रूस देश ने अपने राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है व्याख्या में कि दोस्तों भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल रूस के सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रूस के आप जो सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान है इसका नाम आपको जरूर याद रखना है, इसका नाम आपको जबान पे होना चाहिए। इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल। जिस सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल। यह रूस का सर्वोच्च राष्ट्र पदक है, इसी से हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। दोस्तों बात करें इस पुरस्कार की तो यह 7वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिससे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। इससे पहले दोस्तों हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की सर्वोच्च नागरिक पदक जिसका नाम ऑर्डर ऑफ जायद था हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था हाल ही में। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि संयुक्त अरब अमीरात का जो सर्वोच्च नागरिक पदक था जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद से हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों हम बात करें रूस की भौगोलिक स्थिति की तो दोस्तों मैप में आप देख पा रहे हैं, मैप में रसिया तथा रूस की जो प्रेजेंट टाइम में राजधानी है वो है मास्को। दोस्तों अगर रूस की दोस्तों एरिया के मामले में बात करें तो एरिया के मामले में दोस्तों रूस पूरे विश्व में टॉप नंबर पे आता है। कौन नंबर पे? एरिया के मामले में दोस्तों जो रूस है वह टॉप नंबर की कंट्री है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस है, तथा इसकी जो राजधानी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों मास्को है। प्रेजेंट टाइम में इसकी जो करेंसी है वो रूसी रूबल है, तथा दोस्तों प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन है। तथा बात करें रूस के साथ जिन देशों की सीमाएँ मिलती हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, कजाकिस्तान, अस्ताना, मंगोलिया। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं स्वीडन, फिनलैंड, ये सब देश हैं दोस्तों, जैसे पोलैंड, फिर बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, फिर जैसा कि मैंने बताया कजाकिस्तान हो गया, ये सभी देश हैं दोस्तों, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये सभी देश हैं, फिर चाइना भी हो गया दोस्तों, ये सभी देश हैं। फिर इसके बाद ये सभी दोस्तों मुख्य पड़ोसी देश हैं किसके? रसिया के, जिनकी सीमाएं रसिया से टच करती हैं। तो दोस्तों आपको रूस की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस पर एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते हैं आज के दिन के। तो दोस्तों आज का प्रश्न संख्या दो हमारी है, विश्व जनसंख्या की स्थिति 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2019 में कितनी पहुंच गई है। दोस्तों हाल ही में विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट को जारी किया गया, इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत की जो जनसंख्या है 2019 में कितनी पहुंच गई है। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 में जो हमारे देश भारत की जो जनसंख्या दोस्तों वह 1.36 अरब पहुँच गई। कितनी पहुँच गई दोस्तों? 1.36 अरब हमारे देश की जनसंख्या पहुंच गई है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा इस रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों रिपोर्ट में यह कहा गया है, जो रिपोर्ट है यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, क्या नाम है दोस्तों इस रिपोर्ट का? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNPFA। दोस्तों इसी के द्वारा UNPFA के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019। रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2010 से 2019 के बीच भारत की जो आबादी है दोस्तों औसतन 1.2% बढ़ी है, जो चीन की वार्षिक वृद्धि दर से दुगने अधिक है। तो दोस्तों आपको पॉइंट्स याद रखने हैं डायरेक्टली, दोस्तों पॉइंट्स आपसे एग्जाम में फैक्ट्स पूछ लेते हैं डायरेक्टली, नंबर से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं डायरेक्टली कुछ परीक्षाओं में इनसे नंबर से रिलेटेड प्लस डायरेक्टली पूछ लेते हैं दोस्तों। आप इन नंबर्स को, इन फैक्ट्स को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो दोस्तों स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में दिए गए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये टॉपिक है जिससे प्रश्न बन ही सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, मतलब डिफिनेशन में, मतलब इस डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट का नाम दोस्तों स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, क्या नाम है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों वर्ष 2010 से 2019 के बीच भारत की आबादी औसतन 1.2% बढ़ी है, जो चीन की वार्षिक वृद्धि दर से दुगुनी है। इसके अनुसार दोस्तों इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में भारत की, जो हमारे देश भारत है, उसकी जनसंख्या लगभग 1.36 अरब पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों बात करें चीन की, तो चीन की जनसंख्या 2019 में 1.42 अरब पहुंच गई है। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। कुछ फैक्ट्स अन्य भी इस रिपोर्ट में दिए गए हैं दोस्तों। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में जन्म के समय जीवन आकांक्षा दर में काफ़ी सुधार आया है। 1947 में यह 47 वर्ष थी, जबकि 2019 में 69 वर्ष पहुँच गई है। दोस्तों इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 1994 में मातृत्व मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे 488 मृत्यु थी, जबकि 2015 में जो ये मृत्यु है यह 1 लाख प्रति जन प्रति जीवित जन पे 174 पहुंच गई है। दोस्तों यही कारण है मृत्यु दर कम होने के वजह से जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। तो ये सभी फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को, ये डाटा को आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में डाटा पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न दोस्तों यही है, जो क्या नाम है इसका, यूनाइटेड नेशन UNFPA, यानी इसी के द्वारा दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी किया गया। यह संस्था है किसकी, यह संस्था है यूनाइटेड नेशंस की। इसी के द्वारा दोस्तों विश्व जनसंख्या की रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, दो प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किसे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है दिल्ली का, उनकी पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में नजमा अख्तर, किसको दोस्तों, नजमा अख्तर को नियुक्त किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रोफेसर नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति नियुक्त किया गया है, वह संस्थान की पहली महिला कुलपति हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोफेसर नजमा अख्तर हैं, इनको जो जामिया मिलिया इस्लामिया का दोस्तों कुलपति नियुक्त किया गया, वाइस चांसलर नियुक्त किया गया, यह उस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि नाजमा जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम 1988 के तहत प्राप्त अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने जामिया के एवी विजिटर की हैसियत से नई दिल्ली स्थित जो NIIPM की प्रोफेसर है जिनका नाम नाजमा अख्तर है, को 5 वर्ष के लिए दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, यह वाइस चांसलर 5 वर्ष तक रहेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया की। तो आप इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, यह नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना दोस्तों 29 अक्टूबर वर्ष 1920 को हुई थी मुस्लिम नेताओं के द्वारा। किसके द्वारा, मुस्लिम नेताओं के द्वारा हुई थी। इसके बाद दोस्तों प्रथम वाइस चांसलर की बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो प्रथम वाइस चांसलर से जामिया मिलिया इस्लामिया के डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों इस विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रथम वाइस चांसलर थे। तो इतनी सारी जानकारी दोस्तों आपको इस प्रश्न से रिलेटेड याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, हाल ही में IPL के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं। दोस्तों हाल ही में हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, उन्होंने यह इतिहास रचा है, वे IPL के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में IPL के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, चेन्नई सुपर किंग यानी
सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने 11 अप्रैल वर्ष 2019 को राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध सीएसके के मैच में जीत से प्राप्त की है। इसके बाद दोस्तों टोटल जो मैच सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खेले हैं वह 166 मैच खेले हैं तथा जिनमें से 100 मैचों में उनको जीत प्राप्त हुई है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। कुछ बात करें दोस्तों अगर आईपीएल की, तो आईपीएल का जो फुल नेम होता है वो इंडियन प्रीमियर लीग होता है। यह दोस्तों T20 फॉर्मेट में खेला जाता है। इसका जो आयोजन है वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जाता है। बात करें दोस्तों इसमें इस बार जो 2019 में आईपीएल का आयोजन किया जा रहा है इसमें कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें दोस्तों बात करें इसके पहले संस्करण की तो 2012 में आईपीएल का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। अगर बात करें दोस्तों आईपीएल के ब्रांड वैल्यू की तो ब्रांड वैल्यू आईपीएल के दोस्तों $6.3 अरब, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस देश की सेना ने वहां के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा कर तख्ता पलट कर दिया है। तो दोस्तों हाल ही में सूडान की सेना ने, किस देश की सेना ने हाल ही में दोस्तों सूडान की सेना ने वहां के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा तख्त पलट कर दिया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, सूडान की सेना ने। इसका कारण भी जान लेते हैं दोस्तों, 30 वर्षों तक अफ्रीकी देश सूडान पर शासन करने वाले राष्ट्रपति उमर अल बशीर को सेना ने तख्त पलट करके अपदस्त कर दिया है। बशीर को गिरफ्तार किया गया दोस्तों तथा अब देश का संचालन सैन्य परिषद द्वारा किया जाएगा। दोस्तों इनको हटाने के बाद इनके राष्ट्रपति का नाम आप याद रखिएगा, किन किन राष्ट्रपति को सेना के द्वारा हटाया गया आपसे पूछा जा सकता है, देश भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति भी पूछा जा सकता है। तो देश है सूडान और राष्ट्रपति कौन है, उमर अल बशीर को हटा दिया गया दोस्तों उनके राष्ट्रपति के पद से, तथा अब देश का जो शासन है वह देखा जाएगा सैन्य परिषद के द्वारा। दोस्तों अब सूडान में 2 वर्षों तक सैन्य शासन रहेगा, कितने वर्षों तक, 2 वर्षों तक दोस्तों सूडान में सैन्य शासक रहेगा तथा 2 वर्षों के बाद देश में चुनाव करवाए जाएंगे। कब करवाए जाएंगे दोस्तों, 2 वर्षों के बाद देश में सूडान में चुनाव करवाए जाएंगे। तो दोस्तों पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये हैं सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर, जिनको हाल ही में सेना ने राष्ट्रपति के पद से हटा सूडान देश में तख्त पलट कर दिया है। अगर दोस्तों हम बात करें सूडान देश के भौगोलिक स्थिति की, तो यहाँ पे मैप में सूडान है, जिसकी दोस्तों सूडान एक उत्तरी पूर्वी अफ्रीकी देश है। कौन सा देश है, उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश है, जिसकी राजधानी दोस्तों खार्तूम है, इसकी राजधानी आप याद रखिएगा खार्तूम है। इसकी अवस्थिति भी आपको पता होनी चाहिए, उत्तरी पूर्वी अफ्रीकी देश, राजधानी खार्तूम है। इसके उत्तर में दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं सूडान के उत्तर में इजिप्ट देश है, फिर इसके लीबिया देश है, इसके पड़ोसी देशों में चाड, फिर है इसके बाद बात करें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इसका पड़ोसी देश है, उसके बाद दोस्तों साउथ सूडान जो कि सूडान से ही अलग होकर एक देश बना था साउथ सूडान इसका पड़ोसी देश है, इरिट्रिया इसका पड़ोसी देश है दोस्तों, ये सभी पड़ोसी देश हैं, आदिस अबाबा भी इसका पड़ोसी देश है दोस्तों। सो साउथ सूडान की आपको भौगोलिक स्थिति भी याद रखनी है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं आज का 6वां प्रश्न, हाल ही में किसे सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप प्रदान करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों हाल ही में सर एडमंड हिलेरी की फेलोशिप दोस्तों हाल ही में किसको प्रदान करने की घोषणा की गई, तो दोस्तों दीपा मलिक। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, हाल ही में दीपा मलिक को सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप प्रदान करने की घोषणा की गई है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं रियो पैरालंपिक की रजत पदक विजेता क्या है दोस्तों, ये जो दीपा मलिक हैं इन्होंने रियो पैरालंपिक्स में रजत पदक जीता था, को दोस्तों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान की जाने वाली सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप दी जाएगी। क्यों दोस्तों, ये जो एडमंड हिलेरी फेलोशिप है वह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान की जाएगी दोस्तों, जिसको देने के लिए घोषणा की गई है हाल ही में दीपा मलिक को। तो दोस्तों उन्हें यह फेलोशिप उनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों के लिए प्रदान की जा रही है। दीपा मलिक ने 2016 में रियो पैरालंपिक्स में शॉर्ट पुट इवेंट में रजत पदक जीता था। तो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कुछ बात कर लें दोस्तों सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के बारे में भी दोस्तों, ये जो सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप है इस फेलोशिप को 2008 में शुरू किया गया था न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों शुरू करने का, भारत और न्यूजीलैंड के बीच संबंधों को मजबूत बनाना है। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर सर एडमंड हिलेरी की, जिनके नाम पर इस फेलोशिप को दिया जाता है, तो दोस्तों ये जो सर एडमंड हिलेरी थे वह न्यूजीलैंड के पर्वतारोही थे। क्या थे, न्यूजीलैंड के पर्वतारोही थे। उन्होंने नेपाल के शेरपा तेन्जिंग्स के साथ मिलकर सर्वप्रथम माउंटेन एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को चढ़ाई की थी। वह माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, माउंट शिखर के
माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले दोस्तों पहले व्यक्ति कौन थे? तो यही थे सर एडमंड हिलेरी, जिनके नाम पर यह फेलोशिप दी जा रही है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे, ये हैं सर एडमंड हिलेरी। इनका यह बहुप्रतिष्ठित कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स नॉट द माउंटेन वी कंकर बट आवर सेल्फ। तो दोस्तों ये प्रिय बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप इनके बारे में भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार एलिस जी वैदन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। हाल ही में एलिस जी वैदन को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC के चेयरमैन व MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एलिस जी वैदन को दोस्तों फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों उन्हें यह जो सम्मान है भारत व यूनाइटेड किंगडम के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये हैं एलिस जी वैदन, जिनको हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह हैं दोस्तों जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और MD, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, हाल ही में जापान को पछाड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना है। तो दोस्तों हाल ही में हांगकांग स्टॉक मार्केट ने जापान को पछाड़कर विश्व के तीसरे नंबर का रैंक हासिल किया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में हांगकांग स्टॉक मार्केट ने जापान को पछाड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। बात करें डिस्क्रिप्शन के दोस्तों यहाँ पे दिया है हांगकांग स्टॉक मार्केट जो है दोस्तों जापान को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा तीसरा बाजार बन गया स्टॉक मार्केट का, जबकि पहले स्थान पे अमेरिका है। पहला स्थान आपको याद रखना है अमेरिका का है, उसके बाद दूसरा स्थान दोस्तों चीन का है, तथा तीसरे नंबर पे आ गया है हांगकांग स्टॉक मार्केट। दोस्तों मौजूदा समय में हांगकांग की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 5.78 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद दोस्तों जापान की बात करें तो जापान का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5.76 ट्रिलियन डॉलर, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। बात करते हैं अगर हम दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किसे प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में किसको चुना गया? KP शिवा दोस्तों, यह एक तेलुगु कवि हैं। तेलुगु कवि दोस्तों जिनका नाम KP शिवा है और KV शिवा है, उनको हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है, यानी इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है इससे संबंधित अवार्ड से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को उनकी पक्की की ओटली गाइड नामक कविता के संग्रह के लिए दोस्तों प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। दोस्तों इनकी जो कविता है, कविता संग्रह का नाम मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे उनकी कविता को जो नाम है पक्काकी ओटी गिलिटी, क्या नाम है? पक्काकी ओटी गिलिटे, उनका जो प्रसिद्ध कविता है उन्हीं के लिए दोस्तों प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। दोस्तों इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पत्रिका भेंट की जाएगी इनको, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें सरस्वती पुरस्कार की, तो दोस्तों यह जो पुरस्कार है वह KK बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों यह जो पुरस्कार है किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किए गए उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है, तो ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों ये बगल में जो पिक्चर है यही है दोस्तों, कौन है? KK रेड्डी, जो कि तेलुगु कवि है, इनको इनके प्रसिद्ध जो कविता है पक्काकी ओटी गिलिटे के लिए 2018 के लिए सरस्वती सम्मान से नवाजा जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड की जानकारी कब तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा है? तो दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को 30 मई तक, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को दोस्तों चुनावी बॉन्ड की संबंधी जो जानकारी है वो 30 मई से पहले देने के लिए कहा है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए कहा है। राजनीतिक दलों की चुनावी बॉन्ड से प्राप्त धनराशि की जानकारी चुनाव आयोग को
30 मई से पहले देनी होगी। इसमें 15 मई तक जारी किए गए चुनावी बॉन्ड शामिल होंगे, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ये था हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों, ये था हमारा 14 अप्रैल का करेंट अफेयर्स का सेशन प्रश्न। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।